Yes. Yes. In this visual, right? Okay. So first of all, the first law says that na, the path of a planet is elliptical with the sun at the focus. ये planets में हमने पढ़ा था ना, ठीक है ना? The path of the first law states that the path of a planet is elliptical with the sun at the focus. ठीक है? So the very first point of the first law states that जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द पाथ ऑफ है ना अ प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जो है ना, ये केपलर्स प्लैनेटरी लॉज भी बोला जाता है, ठीक है ना, पाथ ऑफ अ प्लैनेट is elliptical, वो ellipse है, elliptical path में move कर रहा है ना, elliptical with sun at focus, ठीक है बच्चों, है ना? तो basically इसमें क्या है ना कि circular path जो है वो special case है ellipse का, जहाँ पे कि major axis और minor axis same होता है ना, where the सर्कुलर पाथ इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स वेयर मेजर एंड माइनर एक्सिस आर इक्वल, ठीक है ना? तो बेसिकली जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, सर्कुलर पाथ जो है एलिप्स का स्पेशल केस है, वेयर द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ ऑफ मेजर एक्सिस आर इक्वल। तो सर्कुलर पाथ क्या है बेसिकली, है ना, एक स्पेशल केस है, किसका स्पेशल केस है, एलिप्स का स्पेशल केस है, जहां पे कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, सन विल लाई एट वन ऑफ द फोकस, ये होता है मेजर एक्सिस, है ना, तो और एक होता है माइनर एक्सिस। तो मेजर और माइनर एक्सिस क्या करते हैं, मेजर और माइनर एक्सिस के, माइनर एक्सिस के दोनों तरफ फोकस है, तो फोकस लाइज ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है ना, बेसिकली फोकस जो है वो मेजर एक्सिस के ऊपर होता है, दो दो फोकस होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सन will be lying at another focus, ठीक है? ओके, तो बच्चों ये भी बोल रहा है ना, सर्कुलर पाथ में क्या होगा, प्लैनेट का जो वेलोसिटी है इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग इट विद द सन, है ना, समझ में आ रहा है ना, प्लैनेट का जो वेलोसिटी है
है ना, वो परपेंडिकुलर होगा टू द लाइन ज्वाइनिंग इट विद सन, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, फॉर सर्कुलर पाथ फॉर सर्कुलर पाथ द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट प्लैनेट है ना, वुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सन। मतलब वहां से ना, प्लैनेट से सन को जो लाइन ज्वाइन करता है ना, तो उसको वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए सर्कुलर पाथ में। ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में क्या होगा, सन आ जाएगा सेंटर में, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेम हो गए, है ना। तो ये जो फोकस वाला पॉइंट है ये हो जाएगा सेंटर, मतलब वहां पे फोकस एक ही होगा और वो है सेंटर, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ अगर हो गया तो, और जहाँ पे कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो गए, बेसिकली जहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेम हो जाते हैं वहां पे एक ही फोकस होता है और वो होता है सेंटर, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। एंड वेलोसिटी वुड सेटिस्फाई द इक्वेशन वुड सेटिस्फाई इक्वेशन वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई ए, वेर वेर ए इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो उस केस में वेलोसिटी क्या है, जी एम बाय ए होना चाहिए, है ना। तो ए क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ हो जाना चाहिए तब वहां पे, है ना। बेसिकली व्हाट इज ए, ए शुड बी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक। इज इट क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। हेलो, आई ऑडिबल, यस सर, समझ में आ रहा है ना। यस पॉइंट्स सर, पॉइंट्स नोटेड, यस सर, सो कैन आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्वेश्चन जो है वो सेकेंड लॉ से बड़े आते हैं, है ना। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, दैट द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। सो बेसिकली हमारा जो सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो ये इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में,
देखो मान लो सन इज एट वन ऑफ द फोकस, सन जो है वो मान लो कि एक फोकस में, यहाँ पे लेट से सन इज एट वन ऑफ द फोकस, सन इज लाइंग एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है ना। इफ सन इज लाइंग एट वन ऑफ द फोकस मान लो प्लैनेट, अच्छा सन एफ की जगह मैं ना एस लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक तो मान लो प्लैनेट यहाँ पे, प्लैनेट का वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है टू द कर्व, द वेलोसिटी लाइन ऑफ टेंजेंट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द कर्व, है ना। तो बेसिकली अगर हम प्लैनेट का वेलोसिटी लाइन बनाए, है ना, प्लैनेट का जो वेलोसिटी लाइन है कोई भी पॉइंट पे वो हो जाएगा टेंजेंशियल, ऐसे ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा प्लैनेट का जो वेलोसिटी है, ठीक है। और वो वेलोसिटी चेंज भी होगा, टेंजेंशियल का मतलब जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर है ना टू द लाइन जॉइनिंग, है ना। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा टू द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट, परपेंडिकुलर बस है ना कहाँ पे होगा, सर्कल में होगा, है ना। एलिप्स में क्या है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व ऑफ द एलिप्स एट एनी पॉइंट, है ना, बट इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सन, है ना, टू द प्लैनेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है। चलो मैं उसका एक केस बता रहा हूँ तुमको, है ना। तो मान लो पहले प्लैनेट जो है, पहले सबसे पहले प्लैनेट जो है वो कुछ ये पॉइंट में था, पहले तो रेडियस वेक्टर बना लेता हूँ मैं, है ना। तो ये हो गया रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर सन टू प्लैनेट जॉइनिंग सन टू प्लैनेट, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है ना विच जॉइन सन टू प्लैनेट, ठीक है ना, इट्स अ वेरिएबल वेक्टर, ठीक है ना। तो प्लैनेट मान लो पहले इस पॉइंट पे था, ठीक है, तो प्लैनेट सबसे पहले जिस पॉइंट पे था मान लो ए है, और ए टू बी जाने में उसने कितना टाइम कवर किया, या फिर है ना इसको पी ले लेते हैं पी क्यू, प्लैनेट पहले था कहाँ पे, पी में, है ना। अब कुछ टाइम डेल्टा टी में वो कहाँ पे चला गया, क्यू में चला गया, है ना। तो पी टू क्यू जाने का जो टाइम टेकन क्या है, वो डेल्टा टी है मान लो, ठीक है ना। अब मान लो है ना ये जो है डेल्टा ए वन, मान लो ये एरिया क्या है, डेल्टा ए वन है, मतलब ये जो पार्ट में जो ये एरिया कवर करा ना यहाँ पे, है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो प्लैनेट है ना पी टू क्यू जाने में जो एरिया कवर किया, बेसिकली पी टू क्यू जाने में बेसिकली जो एरिया कवर किया मान लो वो डेल्टा ए वन है, ठीक है ना, डेल्टा टी टाइम में, है ना, डेल्टा ए वन कवर किया, ठीक है ना। फिर सेम डेल्टा टी टाइम में, है ना, मान लो सेम डेल्टा टी टाइम में वो क्यू से जा रहा है आर तक, इन द सेम टाइम डेल्टा टी इट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम क्यू टू आर, है ना, इन द सेम टाइम डेल्टा टी, ठीक है। अब है ना सन से एक रेडियस वेक्टर ज्वाइन करा लेते हैं, कहाँ पे, प्लैनेट के ऊपर, लेट मी ज्वाइन
सन टू द प्लैनेट एट पॉइंट आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी ये कुछ एरिया कवर कर रहा है, सेम टाइम डेल्टा टी में, है ना, ये चला गया क्यू टू आर चला गया, है ना। तो यहाँ पे भी बेसिकली ये कुछ एरिया कवर करेगा, तो यहाँ पे भी जो वो एरिया कवर कर रहा है बच्चों, वट एवर एरिया इट इज कवरिंग, है ना, यहाँ पे भी जो एरिया ये कवर कर रहा है, समझ में ना। तो मान लो ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज बेसिकली, ये जो एरिया है दिस इज बेसिकली डेल्टा ए टू, ये जो एरिया है डेल्टा ए टू, ठीक है ना। अगर टाइम सेम है तो ये क्या बोल रहा है, डेल्टा ए वन विल बी इक्वल टू डेल्टा ए टू, है ना। तो ये इसका मतलब है, इसका ये समझने का मतलब है, इफ, है ना, डेल्टा टी इज टाइम टेकन, है ना, टू ट्रेवल फ्रॉम टाइम टेकन बाय प्लैनेट, बाय प्लैनेट टू ट्रेवल, टू ट्रेवल फ्रॉम, है ना, पी टू क्यू, है ना, एंड ऑल्सो क्यू टू आर, ठीक है ना। एरिया कवर्ड और एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर, है ना, रेडियस वेक्टर मतलब सन टू प्लैनेट, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का मतलब ब्रैकेट में लिख लेता हूं, सन टू प्लैनेट, है ना, सो एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, है ना। फ्रॉम पी टू क्यू, अच्छा लेट फ्रॉम पी टू क्यू बी डेल्टा ए वन, है ना, एंड दैट फ्रॉम क्यू टू आर बी डेल्टा ए टू, पी टू क्यू कितना एरिया कवर करा, डेल्टा ए वन, क्यू टू आर कितना एरिया कवर करा, डेल्टा ए टू, देन डेल्टा ए वन इज इक्वल टू डेल्टा ए टू, सेम टाइम में रेडियस वेक्टर मस्ट स्वीप सेम एरिया, दिस इज केपलर्स सेकेंड लॉ, समझ में आ रहा है बच्चों, केपलर सेकेंड लॉ, यस सर, यस सर, ये क्लियर है ना। यस सर, ठीक है ना बच्चों, केपलर्स लॉ का एक और एक मतलब भी है, मतलब है ना, एक रिजल्ट है, ठीक है ना। तो केपलर्स लॉ क्या बोला है ना, सेम टाइम में, है ना, रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट सेम एरिया कवर करेगा, है ना। ये तो बेसिक सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया, इसका मतलब ये भी तो है ना बच्चों, इसका मतलब ये भी तो है ना कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं बोल चुका ना, इम्प्लाइज एरियल वेलोसिटी सेम एरिया सेम टाइम में कवर करेगा, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इंप्लाइज डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ एरियल वेलोसिटी, है ना, मॉड ऑफ एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझ में आया ना बच्चों, है ना, एरियल वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट है,
अरे समझ में आ रहा ना? यस सर। सर अच्छा, तो लेट्स से सन इज एट वन ऑफ द फोकस, है ना? हम बोल रहे हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इससे हमें और एक रिजल्ट भी मिलेगा, है ना? अब वो क्या रिजल्ट है मैं बताऊंगा। वो रिजल्ट ये है कि अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है प्लैनेट का अबाउट सन, है ना, इज इक्वल टू कंजर्व, ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना? प्लैनेट के दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एक होता है ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम। प्लैनेट का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जो वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है प्लैनेट, ठीक है ना, तो सन के अबाउट, है ना, जो ऑर्बिट में मूवमेंट के वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक होता है ऑर्बिटल मोशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आता है ना सन के अबाउट, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसको छोड़ के और एक एंगुलर मोमेंटम है, क्या है वो? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वो खुद अपने एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेट कर रहा है ना, प्लैनेट का अपना भी तो एक खुद का एंगुलर वेलोसिटी होता है ना उसके, है ना, उसके खुद के एक्सिस के अबाउट, जो नॉर्थ साउथ पोल एक्सिस है उसके अबाउट भी प्लैनेट रोटेट करता है कि नहीं बच्चों, है ना? यस हाँ, सर। प्लैनेट अपने खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, तो जब अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है नॉर्थ साउथ एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए एक ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है, तो उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना? ऑर्बिट में मूव करता है, सन के अराउंड रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी अलग है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी अलग है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना बच्चों? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट है, मान लो ये जो प्लैनेट है जो पी पॉइंट में था, पी पॉइंट से पॉइंट क्यू तक जा रहा है इन ए स्मॉल टाइम डी टी, है ना? कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? पी से क्यू तक जा रहा है इन अ स्मॉल टाइम डी टी, है ना? इसका जो प्रूफ है एक अप्रोक्सीमेशन से होता है ना। लेट से द प्लैनेट कवर्स, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू और ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू ऑन द ऑर्बिट, है ना, इन अ स्मॉल टाइम डी टी। ठीक है ना बच्चों? है ना? सो लेट लेट द प्लैनेट रीच फ्रॉम पी टू क्यू इन द ऑर्बिट इन स्मॉल टाइम डी टी। मान लो छोटे से टाइम डी टी में, है ना, ऑर्बिट में पी टू क्यू जा रहा है, एंड इन द प्रोसेस मान लो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, द एरिया स्वेप्ट